अरविंद केजरीवाल। हाँ। मैं, मेरा भी नाम अरविंद ही है। एक बात बताओ, तुमने दूध क्यों नहीं फ्री की? वन पे वन दूध क्यों नहीं फ्री की? अब तू क्या सोचता है, हीरो बनेगा? नो और नेवर। हैं, मोदी तो मोदी है, मोदी का हीरो तो इधर है ना भैया। अच्छा भैया ये बताइए, पीछे आ जाओ आप लोग इनके। भैया ये बताओ कि केजरीवाल जी ने दारू के ठेके कैसे फ्री कर दिए थे पहले? भैया एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, क्या सोचना है आपका इस नीति पे? इस नीति में मैं यही सोचूंगा कि हमारे दिल्ली वासियों को उसने घोर नर्फ किया है। अच्छा। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ जिसको कोई भूल ही नहीं सकता। मैं प्रवचन करता हूँ, तरह तरह के जाके कहीं गाथा गाता हूँ, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल, मैं, मेरा भी नाम अरविंद ही है। मेरा भी नाम अरविंद ही है। हाँ, अरे नहीं, हो गए बर्दाश्त से बाहर। क्या कह रहे थे भैया? मैं कह रहा हूँ सारे अरविंद इसकी तरह ही है। हाँ भैया। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए देवियों सज्जनों, हाँ। मेरे को शांति से बोल दे, कृपया ध्यान, मेरे को थोड़ा रोष में व्यक्त करना है। नहीं, मैं आपको टच भी नहीं करूँगा इसमें, सॉरी माइक को टच नहीं करूँगा। मुझे भी नहीं करना। नहीं, बहन है जी, जैसे भैया कर रहे हैं आज ना, ऐसे केजरीवाल साहब ने दारू पिला के लोगों को बर्बाद कर। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप? ऐसे देखो, सुन तो लो भाई हमारे, देखो इनकी बात सुना क्या, देखो भाई हमारे, ये केजरीवाल साहब की देन है। केजरीवाल ने एक पे एक दारू की लत लगा दी थी लोगों को, और आज लोगों की किडनी खराब हो गई है। इनकी एक किडनी होगी तो एक खराब हुई होगी, ये केजरीवाल की देन। हाँ भैया आप बताओ, ये सही नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब, हमारा दिल्ली वालों को उन्होंने धोखा दिया। ऐसा धोखा दिया कि एक बात बताओ, तुमने दूध क्यों नहीं फ्री की? वन पे वन दूध क्यों नहीं फ्री की? पहली सवाल। दूसरी सवाल, शिक्षा में जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है उसको तुमने पढ़ाया क्यों नहीं? ट्यूशन के लिए फीस नहीं क्यों नहीं किया? लेकिन वन बाय वन फ्री, यानी दारू, अरविंद केजरीवाल तुम मिल के दिखा। मेरे प्रोजेक्ट में क्या था, 2018 में INA में एक आम का पेड़ उठाना था, और ये बड़ा करीब थे साहो। अच्छा। मैंने मिल नहीं पाया, मैं देखा मेरे को मुस्कुरा रहा है। अच्छा। हट अरे अरविंद केजरीवाल, याद रख उस दिन मैं वहाँ का इंजीनियर था ना, उस दिन का 2018 की बात कर रहा हूँ, INA का जो पुल बनाया मैंने ना। तो अरविंद केजरीवाल, तूने दारू फ्री करके माँ बहनों की ऐसी तेजी कर दी है, अब तूने ये बात क्यों भूल गया कि अब तेरे को क्या, दिल्ली वाला, हमारा दिल्ली वाला, 10 साल से तुमने ऐसा किया ना, अब तू क्या सोचता है, हीरो बनेगा? नो और नेवर। अभी अनिल कुमार, तेरे को एक बात सोचना पड़ेगा कि तू अभी स्टाइल मारता है क्या? स्टाइल मार रहा है? नहीं नहीं, स्टाइल मार रहा क्या? हमने 2004 बच्चे को दिया तो 8000 हो गए, ऐसा ऐसा कहानी बनाता है तू। तू मोदी का स्टाइल में बात करता है? अरे तेरा बाप भी नहीं बने मोटी हैं? मोदी तो मोदी है, मोदी का हीरो तो इधर है ना। तब हाँ, अबे अभी बात सुनो अरविंद केजरीवाल, मैं तुमसे मिलूंगा, और जब मेरे प्रोजेक्ट में ए सत्येंद्र जैन भी मेरा 12 पुला पे गया था, हैं, मेरे हेल्पर को बोला जा, अरे वो मसाज करा रहा है 12 पुला को, जब उद्घाटन हुई तो नहीं, 12 पुला में जब उद्घाटन हुई, मैं हेल्पर को बेटा बेटा एक गाड़ी लेके जा, सत्येंद्र जैन लेके आ। वो आया उसी समय से, समझ गया कितना भ्रष्ट है। उसी समय से जब हमारा कंपनी ने उसको कुछ नहीं किया था। जय हो, जय भारत, जय माता। अच्छा भैया आप क्या सोचते हैं बताइए, भैया बताइए, बताइए भैया, बोलिए ना, क्या बोलो, कुछ बोलो भाई, बोलो आप बताओ भैया, केजरीवाल ने कैसा विकास किया दिल्ली का? कहाँ विकास करा? जगह जगह तो गड्ढे। विकास ही नहीं करा, ऐसे कैसे भैया?
केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मैंने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए भाई। मोहल्ला क्लिनिक खोले वो हाँ। वो गधे क्लिनिक खोले हैं, वहाँ पे गधे और घोड़े घूम रहे हैं। गधे क्लिनिक है हाँ। और वहाँ पे दारूबाज एक के साथ जो एक फेरी करी थी उन्होंने हाँ। वहाँ पे दारूबाज बैठे गए एक के साथ एक फेरी फिर है बस। अब तो फिलहाल बंद हो गया होगा बेचारे, वो परेशान घूम रहे हैं उनके साथ। मैं तो चाहता हूँ दोबारा एक के साथ एक फेरी करें जो उनका थोड़ा रहम हो जाए। उन बेचारों के पास पैसे तो होते नहीं है, वो ढूंढे ढूंढे फिर रहे कहाँ पे मिले एक के साथ एक फेरी। वो तो कहते हैं हमने बिजली मुफ्त कर दी, पहले इतने पावर कट होते थे अब तो बिल्कुल भी पावर कट नहीं है। बिजली मुफ्त कर दी हाँ। मेरे घर का बिल तो आया एक बल्ब जलता है 1140 रुपए का। अच्छा, वो कैसे आ गया? वो तो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं 200 यूनिट। जो कितनी? 200 यूनिट। और 200 के बाद कितने पैसे ले रहे हैं? अच्छा, 200 के बाद कितने पैसे ले रहे हैं बताओ हाँ। आप बताइए ना, आप जनता है, आपसे कितने पैसे? ओके, बाद 200 यूनिट के तो पैसे ले लें और जो फालतू आ रही है उसके फालतू पैसे ले रहे हैं। अच्छा, पूरी यूनिट के पैसे ले रहे हैं क्या? अगर 200 से ऊपर आ रही है तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हाँ भैया, देखो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के में प्रचार करते हैं और सिर्फ इनके खोखले प्रचार हैं। अच्छा। ये जो बिजली के बिल कहते हैं ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मैं रहता हूँ, देखो यहाँ पे दिल्ली में अधिकतर लोग किरायेदार हैं, मकान मालिक हैं। अगर यहाँ पे रेंट पे रहने वाला अगर इन्हें माफ ही करना, तो भाई तेरी 100 यूनिट तक माफ है, 200 यूनिट तक माफ है, ये करो 200 यूनिट करो तो जाओगे माफ नहीं है भाई। 200 यूनिट तो क्या कहते हैं, एक बल्ब जला के रखोगे ना तो महीने में 200 यूनिट आ जाती है, ठंडियों में बेच सकना है। लेकिन केजरीवाल साहब आपने पानी तक लोगों को आज बदनसीब कर दिया, दिल्ली वालों को तरसा दिया है भाई, कोई काम नहीं। और जो ये लोग कहते हैं कि ये खोखले प्रचार है, इनको देखो ये कहते थे हमें पुलिस दो पुलिस दो, हमने इन्हें पुलिस दे दी, हमने इन्हें पंजाब पुलिस दे दी। ये जाके पंजाब में आज वहाँ पे जो घटना हो रही है एक सी एक घटना हो रही है, एक पे भी कंट्रोल नहीं है। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये कांग्रेस वालों की ही तरह चल रहे है। और आज कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का अंतिम समय आ चुका है, ये कांग्रेस का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे कैसे? वो तो कह रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखो ये भारत जोड़ो, मैंने कई बार इस यात्रा को अंतिम यात्रा का रूप दिया था, लेकिन कई मीडिया के लोग ये दिखाने चाहे, इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके बाद और कोई यात्रा नहीं करेंगे हाँ। ये लास्ट यात्रा इसलिए होगी क्योंकि वो लोगों को बेवकूफ बनाते यात्रा में हाँ। वो कहते भारत जोड़ो, अरे भाई काहे का भारत जोड़ो, तुम कन्हैया कुमार के साथ जाते हो जो भारत तोड़ो यात्रा का समर्थन करता है, वो आज भारत जोड़ेगा। तुम दिग्विजय साहब को लेते हो अपने साथ, जो राम को ही नहीं मानते, जो कहते हैं राम काल्पनिक है। बताओ ये राम के लिए, ये हिंदुस्तान हिंदू यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू राम के लिए कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी है, तब जाके न्याय पे आया था यहाँ का हिंदू। और ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, ये सब सिर्फ धर्म को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू धर्म को टारगेट करना ही इनका काम है।